आज आपको जहाँ जमा है मीडिया के जुल्म के खिलाफ, जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो वो पंजाब में कर रहे हैं, हम उस जुल्म के खिलाफ जाते हैं और ये नरेंद्र मोदी को बावर करा देना चाहते हैं कि आप तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे, बन के रहेगा खालिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान। वो वक्त आ गया है कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होंगे। ये अब तादाद देखेंगे मोदी के खिलाफ, आज वो यूनेस्को में पैरिस में आया हुआ है, चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, अस्कार करना चाहते हैं। वो टेररिस्ट है, वो जालिम है, वो एक खूनी दरिंदा है, वो जुल्म कर रहा है पंजाब में भी और कश्मीर में भी। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहा है, उसने यासीन मलिक को भेजा, गिरफ्तार किया हुआ है। हम उस जुल्म के खिलाफ जहाँ जमा है और जो डेड पार्टी है उसका मुताबा करते हैं, डेड पार्टी का मुताबा करते हैं और ये बता देना चाहते हैं दुनिया को, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्ची को रेप किया जा रहे हैं। आप सोए हुए खुदा के लिए, अपने साथी के लिए, अपने भाइयों के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानियत के लिए आप जमा हो और दुनिया को ये बता दें कि मोदी हिटलर है, मोदी खूनी दरिंदा है, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये अलामत है जो मेरे भाई वहाँ सकते हैं उनके साथ हजारे झटके के लिए। मुझे कश्मीरी होने पर फख्र है और मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ। इंशाल्लाह पंजाब की आज़ादी के बारे में भी कुछ, इंशाल्लाह अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे और अपनी आज़ादी उस वक्त तक हम जारी रखेंगे अपनी जदयात जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक खालिस्तान आज़ाद नहीं हो जाता और खालिस्तान बन के रहेगा और इंडिया टूट के रहेगा, ये हमारा वादा है। इंशाल्लाह।